नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिशतता। आज हम लोग परसेंटेज को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत, अब यहां से क्या पता चलता है, शत का मतलब होता है 100 और प्रत का मतलब होता है में, यानी 100 में। तो देखिए, अगर हम बोलेंगे कि कोई चीज है, ये एक मार्कर है, तो ये अपने आप में पूरा मार्कर है, यानी ये पूरा अपना 100% है, पूरा 100% है। लेकिन अगर हम इसके 100 टुकड़े कर दें अलग अलग, इसको 100 भागों में बांट दें, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा जो 100 भागों में बटा हुआ है ये मार्कर, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा 1% को इंगित करेगा, 1% को दिखाएगा। इसके 100 टुकड़े हो जाएंगे तो दोस्तों एक टुकड़ा 1%, 100 टुकड़े 100%। तो प्रतिशत का मतलब यही होता है कि 100 में एक, अब इसका एक टुकड़ा है तो 100 में एक, अब इसके हम दो टुकड़े ले लें तो 100 में दो हो जाएंगे। ठीक, मतलब 100 टुकड़े हैं, इसके दो टुकड़े हमने ले लिए, 2% ले लिया, तो क्या हो गया कि 100 में दो। अब देखिए यहां पर हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये दिया गया हो कि कोई गांव है, एक कोई गांव है और वहां की जो जनसंख्या है उस गांव में 700 लोग हैं। एक कोई छोटा सा गांव है या बड़ा सा गांव है जिसमें 700 लोग हैं, तो बहुत बड़ा नहीं होगा जाहिर है। एक गांव है जिसमें 700 लोग हैं और इसकी साक्षरता दर बोली जा रही है, इसकी साक्षरता दर मान लीजिए, यानी यहां पर जो पढ़े लिखे आदमी है वो पढ़े लिखे आदमी है 60%। अब प्रतिशत का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, 60% का मतलब 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 60%, 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी कितने हैं, 700। अब 100 में यानी 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं तो 700 में कितने होंगे, तो कितने होंगे, 7×6 = 420, 100 में 60 तो 700 में 420। अब देखिए इसको पता कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि गांव में कितने लोग हैं, 700 लोग हैं, हमने लिखा 700। अब हमको 60% निकालना है, यानी उसकी साक्षरता दर है 60%, हमको निकालना है कि यहाँ पर साक्षर लोग, यहाँ पर साक्षर लोग कितने हैं, उनकी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, कितने प्रतिशत हैं, 60% हैं। अब हमको 700 लोगों का निकालना है, यानी 700 का 60% निकालना है, यहाँ पर लिख लिया 60। और 60% का दोस्तों क्या मतलब है कि 100 में 60 यानी प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आ गया, मतलब 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर 700 दिया गया है तो 700 से इसको गुणा कर दिया, अब क्या करेंगे, इसको काट दिया, देखिए 7×6 = 42, 420 लोग साक्षर हैं, यानी 420 लोग पढ़े लिखे हैं। चलिए अब एक दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं और वहां पर थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कोई छात्र है, मान लीजिए कोई छात्र है, आप हैं, 900 अंकों की परीक्षा है, कोई 900 अंकों की परीक्षा हो रही है, वहां पर आपने 55% अंक, 55, हालांकि ये परसेंटेज बहुत कम है, सेकेंड डिवीजन है, 55% अंक आपने हासिल कर लिए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर आपने पाए हैं, यहाँ पर 900 अंकों की संख्या है, यानी 900 अंकों का पेपर हुआ, आपने पाया 55%, आपके रिजल्ट में आया कि आप 55% अंक पाकर उत्तीर्ण हो गए हैं। लेकिन अगर आपको वहां पर नंबर नहीं दिया गया है और आपसे कोई पूछ ले कि आपने कितने नंबर पाए हैं, 900 का पेपर था, आपने कितने नंबर पाए हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे। अब देखिए 55% का मतलब है कि 100 नंबर में आपने 55 नंबर पाए हैं, 100 नंबर में आपने 55 पाए हैं, तो 900 में कितने पाए होंगे, यानी 100 का 9 गुना किया, 100 नंबर में 55, 100 का 9 गुना किया तो 55 का भी 9 गुना कर दिया जाएगा, 55 का 9 गुना किया तो कितना हो गया, 9×45, 9×45 449, 495, मतलब अब आपने 900 में कितने नंबर अगर पूछा जाए पाए हैं तो कितने पाए होंगे,
495 नंबर पाए हैं। मतलब यहां से आप परसेंटेज की कहानी को समझ रहे हैं ना कि परसेंटेज का खेल क्या होता है। परसेंटेज अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये था बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीका। इसको कॉन्सेप्ट से अगर आपको समझ में आ रहा है तो निकाल सकते हैं, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चलिए 900 नंबर थे, हमने 55% पाए, यानी 900 का 55% पाया और प्रतिशत लगा है तो बटे 100 कर देंगे। अब यहां से काट दिया देखिए, और 9 पना 45 449 नंबर आ गए। तो देखिए आप यहां से भी निकल आया और यहां से अगर समझ के निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। सीधे 100% का 100 नंबर का मतलब है 55 नंबर, तो 900 नंबर का मतलब क्या होगा, 100 से 9 गुना हुआ, यहां पर 55 का भी 9 गुना कर दिया गया, आ गया बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और इस परसेंटेज का आखिर यूज क्या है। हम आप कहेंगे कि नंबर से काम चल तो रहा था, यहाँ पर परसेंटेज बताने की जरूरत ही क्या थी, अगर 495 नंबर हमको लिख के दे देते तो क्या हो जाता, कह देते 495 नंबर पाके आप उत्तीर्ण हो गए हैं, यहाँ पर 55% लिखने का क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज का आखिर यूज क्या है, परसेंटेज को आखिर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेंगे उसी में हम लोग समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन जब देखते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल के वर्ग 10 के प्रथम सेक्शन में 600 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। देखिए कक्षा 10 में है विद्यार्थी, अभी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और प्रथम सेक्शन जो है, सेक्शन फर्स्ट जो है, वहां पे 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया परीक्षा में, और कितने पास हुए, एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 500 विद्यार्थी सफल हो गए। तो सफल विद्यार्थी कितने हुए दोस्तों, सफल हुए इसमें 500, यानी 600 ने भाग लिया परीक्षा में और 500 सफल हो गए, 100 लोग फेल हो गए। अब बात करते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए दूसरे सेक्शन में, अब दूसरे सेक्शन की बात कह दी कि कुल 800 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। दूसरा सेक्शन है सेक्शन सेकेंड आ गया, देखिए सेकेंड में 800 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 800 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 640 विद्यार्थी सफल हो गए। अब देखिए किस सेक्शन का परीक्षा फल अपेक्षाकृत अच्छा था तथा उसका प्रतिशत क्या था। देखिए पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन से सेक्शन में अच्छे खासे लड़के पास हो गए, मतलब ज्यादा संख्या में लड़के कौन सी सेक्शन में पास हुए हैं। तो संख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तुलना की जा रही है कि कितने लोगों ने भाग लिया, उसमें अपेक्षाकृत कहाँ पर स्कोर अच्छा हुआ। अब आप यहाँ पर अगर नंबर से देखेंगे तो आपको तुलना करने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। यहाँ पर देखिए 640 नंबर ज्यादा है, आप कहेंगे भाई यहाँ पर तो 640 लोग पास हुए हैं, यही हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन कोई कहेगा कि यहाँ पर ज्यादा लोगों ने भाग भी तो लिया है, यहाँ पर कम लोगों ने भाग लिया है और यहाँ पर ज्यादा लोग पास हो गए हैं, उस हिसाब से इनके बीच का अंतर कम है, इनके बीच का अंतर ज्यादा है, तो वो कहेगा कि ये। तो आप लोगों में जब बहस हो जाएगी इस तरह, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, तब यहाँ पर आता है आपका परसेंटेज, तब यहाँ पर आता है आपका प्रतिशतता, यहाँ पर अब होगा प्रतिशत का खेल। जब प्रतिशत का खेल आप समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएंगे और इस तरह की समस्याएं आप बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 600 विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं जिनमें 500 सफल हो गए। अब 500 विद्यार्थी सफल हो गए हैं और प्रतिशत पूछ लिया गया है। अब इसका हम अगर प्रतिशत निकाल लें कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी कितने प्रतिशत सफल हो गए, कितने प्रतिशत पास हो गए और यहाँ पर कितने प्रतिशत पास हो गए। अब प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 में 1, यानी 100 में 1 पास हुआ तो 1% हो गया, यानी प्रतिशत का मतलब है 100 में कितने विद्यार्थी प्रति 100 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। और यहाँ पर भी देख लेंगे कि प्रति 100 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अब जब हमको ये निकालना हो कि 100 में कितने विद्यार्थी पास हुए तो क्या करेंगे, देखिए 500 विद्यार्थी सफल हुए हैं, ठीक 500 लिख लिया, सफल विद्यार्थी हो गए 500। और यहाँ पर
600 विद्यार्थी हैं, ठीक 600 विद्यार्थी हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और हमको पूछा जा रहा है कि 100 में कितने विद्यार्थी पास होंगे। तो इसको देखिए, 100 से गुणा किया, 600 से भाग कर दिया। अब यहां पर क्या निकल गया कि सफल विद्यार्थी कितने हुए, 600 में 500 सफल हुए, लेकिन हमको निकालना है कि 100 में कितने सफल होंगे, यानी 100 में कितने विद्यार्थी सफल होंगे। अब यहां पर क्या करना है, इसको काट देना है। काटा कितना आया, 6 से इसको काटा तो 6 से काटा तो कितना आया, 6 8 48 और बचा 2, फिर 6 3 18 18 बचा, फिर 2 बचा 2/6। अब 2/6 है तो इसको काट लेंगे तो 1 2 2 3 6 83 सही 1/3, यानी यहां पर कितना आया दोस्तों, यहां पर आया 83 सही 1/3%। तो देखिए 600 में 500 विद्यार्थी सफल हुए तो कितने प्रतिशत सफल हुए, 83 सही 1/3% विद्यार्थी यहां पर सफल हो चुके हैं। अब जब इसकी बात आती है तो इसकी बात में क्या होगा, देखिए 640 विद्यार्थी सफल हुए कितने में, 800 में, और हमको कितने में निकालना है, 100 में। अब क्या करेंगे, इसको काटा पीटा, 8 से कटा, 8 8 64 और कितने प्रतिशत हुए, 80। यहां पर कितने प्रतिशत हुए, 80। अब अगर देखा जाए तो ज्यादा विद्यार्थी कहां पर सफल हो रहे हैं, देखिए नंबर तो यहां पर कम है सफल होने वालों का, लेकिन प्रतिशत कहां ज्यादा है, यहीं पर ज्यादा है, यानी अपेक्षाकृत विद्यार्थी कहां पर ज्यादा सफल हो रहे हैं, ऊपर वाले में फर्स्ट सेक्शन में ज्यादा विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रतिशत का आखिर यूज क्या है, प्रतिशत को आखिर इतना महत्व क्यों दिया गया है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें, ये जो प्रतिशत चैप्टर है, ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष करके गणित के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको ये प्रतिशत नहीं समझ में आएगा, इस प्रतिशत का खेल नहीं खेल पाएंगे आप लोग, तो इसके बाद आने वाले चैप्टर जैसे लाभ हानि, बट्टा और SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे जो चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर आपको प्रतिशत समझने के बाद ही समझ में आ पाएंगे। अगर आपको ये प्रतिशत नहीं समझ में आया तो ये सारे चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस को और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम है। अब देखिए जैसे बी की आय दी गई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी के साथ कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी अगर आप बी की आय को मान लीजिए 100 हो, हम इसको 100 क्यों मानेंगे, 100 इसलिए मानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 में, यानी प्रति 100 में, तो जब प्रति 100 में ही हमको मानना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, बी की आय को 100 मान लेंगे अपनी तरफ से। अब ए की आय अगर देखें तो क्या होगा, ए की आय होगी 100 से 25% कम, यानी 100 थी अगर तो इससे 25 कम होगा, यानी कितना होगा, 75 होगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया कि बी की अगर 100 होगी तो ए की 75 क्यों होगी, क्योंकि ए की 25% कम है। अब देखिए बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, अब पूछा जा रहा है कि ये तो 25% कम है, ये तो 25% कम है इससे, लेकिन ये जो है ये कितना प्रतिशत अधिक है, इस 75 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है। जब ये हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, इनके बीच का अंतर है 25। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है कि ये वाली कितना ज्यादा अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बटे करेंगे, बटे में क्या करेंगे, 75 करेंगे। 75 क्यों करेंगे,
क्योंकि हमको निकालना है कि इसकी आय इससे कितनी ज्यादा है। जब हमको इससे निकालना है, जब हमको इस 75 से निकालना है, तो हम 75 में ही तो निकालेंगे ना कि 25 किस में जाता है, 75 में जाता है, और इसको 100 से गुणा किया जाएगा क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100, ठीक। और यहां से काटेंगे 25 × 75। अब देखिए, 3 × 9 = 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत आया। यानी अब अगर बात करें कि अधिक कितना होगा, तो 75 से 33 सही 1/3 प्रतिशत ए से बी की आय ज्यादा होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन को ठीक से समझते रहिए, मजा तभी आने वाला है जब आप भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम थे। देखिए, उसके पास कुछ फल रहे होंगे, तो वो फल हम क्या मान लेंगे कि उसके पास 100 फल थे, ठीक। उसके पास 100 फल थे और क्या कह रहा, 20% सेब थे, इसमें 20% उसके पास सेब थे, ठीक, और 25% क्या थे, 25% क्या थे, आम थे। शेष फलों की संख्या कितनी थी, शेष फलों की संख्या थी 1320। शेष जो फल थे वो थे 1320। हमने क्या किया, यहां पर टोटल फल मान लिए 100, ठीक, और जो सेब थे वो थे 20%, यानी 20 सेब रहेंगे, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, और 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। तो सेब रहे होंगे 20 और आम रहे होंगे 25। अब अगर शेष की बात करें, यानी इन 100 फलों में बचा क्या, इनके अलावा अब क्या बचा है, तो जो बचा है वो क्या होगा, इसका, इसको अगर हम लोग इसमें घटा देंगे तो शेष हमारा निकल आएगा। यानी ये कितने हैं, 25 और 20, 45 हैं, 45 हैं, इसको घटाएंगे 45, 100 में 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी अब जो फल बचे होंगे, जो इसमें शेष फल बचे होंगे इन दोनों को छोड़कर, वो कितने बचे होंगे दोस्तों, वो बचे होंगे 55। और यहां पर क्या दिया गया है कि उसके पास जो शेष फल बचे हैं वो है 1320। जो शेष फल बचा हुआ है अभी वो है 1320। यानी हम लोग ये क्या 100 माने थे, तो यहाँ पर परसेंट देखेंगे अगर कि 55% बराबर क्या निकल के आया, 100 क्या है, 100 1% है हमने मान लिया था, और ये 20% ये 25% था, वहां पर घटा दिया हमने जोड़कर, ये 55 निकला। अब 55 का मतलब क्या दिया गया है, 1320। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है उसके पास आम के कितने फल थे, और आम के फल कौन से हैं, आम के फल हैं 25% वाले। हमको दोस्तों क्या बताना था, हमको बताना था कि उसके पास आम के फल कितने हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, 55% बराबर दे दिया गया है 1320, ठीक, और अगर हम लोग यहां से चाहे 100% निकाल लें, चाहे 1% निकाल लें, अगर 1% निकाला तो क्या करना पड़ेगा, 1320/55। यहां तक समझ में आया, 1% निकाला, तो 1% का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। अगर मैं 1% यहां पर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1% × 55 लिख सकता हूं, तो हो जाएगा 55% हो जाएगा ना। अब हम यहां से क्या करेंगे, 1% यही रहेगा, ये गुणे में है, तो इसको उठा के नीचे रख देंगे, भाग में हो जाएगा, हो गया 55, 1% बराबर 55। अब हमको 25% निकालना है, इसको हम 25 से भाग दिए तो कितना हो गया, 25% हो गया ना, 25% हो गया ना, जब इसको 25 से गुणा किए, सॉरी, इसको हम 25 से गुणा किए, जब ये 25 हो गया गुणा होके, तो इसको भी गुणा कर दिए, जब इसको भी गुणा करेंगे तो ये भी 25% हो गया। अब इसको काटा 5 से, यहां पर 11 बचा, 11 × 11 = 22 और 120 आया, 12 × 5 = 60 यानी 600। तो उसके पास टोटल जो आम थे 25% आम, वो कितने रहे होंगे, 600 आम रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन में क्या है,
चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 981 पुरुष हैं। एक कोई कस्बा है जहां पर 51% महिलाएं हैं, ठीक है 51% महिलाएं हैं और 980 पुरुष हैं। यहां पर पुरुष कितने हैं 980 पुरुष। अब देखिए आपको समझना क्या है, हमको यहां पर दिया गया है पुरुषों की संख्या और यहां पर महिलाओं का परसेंटेज दिया गया है। हम क्या करेंगे कि पुरुषों का परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। अगर 51% महिलाएं रही होंगी तो वहां पर पुरुष कितना रहे होंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में, यानी 100 रहे, 100% टोटल जनसंख्या है वहां पर 51% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष होंगे 100 में 51 जाएगा तो 49%, 49% पुरुष रहे होंगे तो 49% कितना दिया गया है 980 पुरुष, यानी 49% बराबर 980। अब हमको जनसंख्या बतानी है, हमको 100% बताना है तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, 100% होगा 980 गुणे 100 बटे 49। ये कहां से आया, ये वहीं से आया, देखिए 1 × 49 कर लेंगे, जब 1% निकालेंगे तो बटे में 49 चला जाएगा और फिर 100 से गुणा करके उसका 100% निकाल लेंगे। अब यहां से देखिए काटते हैं दोस्तों, जब काटते हैं तो 2 बार जाएगा 49, यहां पर 20 आ जाएगा और हो जाएगा 2000, 2000 आ गए ना, 100% बराबर 2000, यानी जनसंख्या कितनी रही होगी जो उस गांव की जनसंख्या, उस कस्बे की जनसंख्या होगी वो होगी 2000। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है एक मिश्र धातु में तांबा 18, एक मिश्र धातु में तांबा 18 तथा टिन 24% है। एक कोई मिश्र धातु है जिसमें, जब मिश्र धातु है वो तो उसका टोटल जो होगा, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है ये मैंने अभी आपको बताया, तो मिश्र धातु जो होगी वो अपने आप में 100% होगी यानी संपूर्ण होगी। और क्या कह रहा है कि इसमें 18% तांबा है, इसमें तांबा जो है वो कितना है 18%, ठीक, और टिन जो है वो है 24%। अब बात आ गई टिन की, टिन है यहां पर 24%। और क्या दिया गया है, और शेष मात्रा में एल्युमिनियम है, शेष मात्रा एल्युमिनियम की है, यदि उसमें टिन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो, टिन और तांबे की मात्राओं में 54 ग्राम का, दोस्तों इनकी मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो तो मिश्र धातु का भार क्या होगा, यानी मिश्र धातु यानी ये 100% क्या होगा अगर इनके बीच का अंतर 54 ग्राम हो। तो जब तांबा और टिन के बीच का अंतर दोस्तों दिया गया है तो इनके बीच का अंतर देखिए तो जरा कितना होगा, यानी 18 × 2 = 20, 20 × 4 = 24, यानी 6% का अंतर होगा इनके बीच में, 6% का अंतर, जब इनके बीच में 6% का अंतर हुआ तो 6% बराबर कितना हो गया, 6% बराबर हो गया 54 ग्राम। हमको निकालना है 100%, तो जब 6% बराबर 54 ग्राम हो गया तो 100% बराबर कितना होगा 54 × 100/6, तो 6 × 54 और हो जाएगा 900, यानी ये पूरा जो मिश्र धातु है ये कितने ग्राम की रही होगी, ये रही होगी 900 ग्राम की। तो आशा है दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है, नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य
प्राप्त हो जाए। देखिए गेहूं का मूल्य रहा होगा 100 रुपए और वो कह रहा है कि 40% वृद्धि कर दी गई, यानी 100 का 40% कितना होगा दोस्तों, 40 ही होने वाला है। और यहाँ पर जब 40 जुड़ेगा तो हो जाएगा 140, यानी इसका जो नया मूल्य है वो हो गया है 140। अगर वो 100 रुपए में 1 किलो गेहूं खरीद रहा था तो अब 140 रुपए में उसको 1 किलो गेहूं मिलेगा, तो उसका कितना नया मूल्य हो गया 140। वो कह रहा है कि नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका वही पुराना वाला मूल्य फिर से आ जाए। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर अब हमको 140 में कम करना है, लेकिन कितने कम करना है, 40 कम करना है। तो 40 कम किया कितने में, 140 में। और कितना, जब यहाँ पर परसेंटेज की बात आ गई है, हमको परसेंटेज की बात में क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा कि 140 ये है लेकिन हमको निकालना है 100%, यानी जो उसका मूल्य आएगा पूर्ण फिर से, जो इसका मूल्य आएगा वो 100% होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटा 2, 7, ये हो गया 200 बटे 7 आ गया, तो 7 × 2 = 14, 6 × 20, 14 × 6 = 20, तो बचा 6, अब कितना 7 × 8 = 56, अब बचा है 4, 4 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, यानी 28 सही, 4/7%। यहाँ पर इसको कितना मूल्य कम करना पड़ेगा, इसको 28 सही 4/7% यदि ये कम कर ले तो ये फिर से 100 रुपए में पहुंच जाएगा। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में उसमें 10% की वृद्धि हुई, अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल चार वर्षों बाद उसकी जनसंख्या 60,984 हो गई हो तो प्रारंभ में उसकी जनसंख्या क्या थी। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी जनसंख्या मान लेते हैं प्रारंभ में रही होगी x, ठीक। अब वो बढ़ी, पहले साल कितनी बढ़ी, 5%, तो 100 में 5% बढ़ा, 105 हो गया। अब देखते हैं अगले साल, अगले 2 वर्षों तक 10-10% बढ़ी, 110/100। अब क्या हुआ, चौथे वर्ष में 4% की कमी हो गई, यानी 96/100 हो गया। अभी तक बढ़ रहे थे, अब अगर 4% की कमी हुई है तो 4% यहाँ पर कम कर दिया गया और इसकी जनसंख्या कितनी हो गई 4 वर्षों के बाद, 60,984 हो गई, 60,984 हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो कटेगा उसको काट पीट दिया जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखते हैं क्या क्या कटता है, देखिए 1 0 से 1 0, ये 2 0 कट गए। अब देखते हैं क्या ये 11 से कटने वाला है, तो 11 से देखते हैं 11 × 5 = 55, 5 फिर से 11 × 5 = 55, 4 11 × 44, 11 × 44 फिर से 11 से कटा, 11 × 5 = 55, 0 11 × 44, 504 हो गया, 504 हो गया। अब इसको 96 से काट के देखते हैं, तो 96 से कैसे कटेगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 6 = 48, 2 × 8 = 24, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये कहे से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 12, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 21 आ गया, 21 से ये कटेगा, 5 बार जाएगा, 5 × 20 और 20 × 5 = 100, यानी ये इधर चला जाएगा अब, तो कितना हो जाएगा, 5 000 000, यानी इसकी जनसंख्या 50,000 रही होगी दोस्तों, और इसकी जनसंख्या 50,000 से कितनी हो गई, 60,984 हो गई है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या आखिर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे,
कि उसका खर्चा पूर्वरत रहे, पूर्वत हो। क्वेश्चन में दिया गया कमी हो, तो देखिए पहले मान लीजिए वनस्पति तेल की कीमत रही होगी 100 और अब हो गई है 20% की कमी होकर 80 रुपए। ठीक, अब वो कह रहा है कि अपनी खपत को वो कितना बढ़ा दे कि उसकी जो खपत है उसके जो रुपए खर्च रहे हैं वो इसके बराबर ही खर्चे, जितने पहले खर्चते थे उतने ही अभी भी खर्चे। तो अगर इसको बिल्कुल सिंपल वे में देखा जाए तो मान लीजिए कि ये 100 रुपए में 80 चीजें पहले खरीद रहा था। ठीक, ये 100 रुपए में पहले 80 चीजें खरीद रहा था, हम ये मान लेते हैं, और आज इसको 80 रुपए में 80 चीजें मिलने लगी हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसको 80 रुपए में 100 चीजें खरीदवा दें, 80 रुपए में 100 चीजें खरीदवा दें, तो क्या इसकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी? यानी 8000 की यहां पर सामान खरीद रहा था, अब 80 रुपए में 100 चीजें खरीद रहा है तो 8000 की यहां पर खरीदेगा। अब यहां पर आपको समझ में आया कि हमने क्या किया है। अब अगर इसको 80 खरीद रहा था, ये 80 खरीद रहा था अभी तक 80 रुपए में, और अब हमने इसको 100 खरीदवा दी, यानी हमने इसको 20 चीजें ज्यादा खरीदवा दी। कितने से? 80 से। तो हम सीधे यही करेंगे, 20/80, 20 चीजें ज्यादा खरीदवाई 80 से, और हमको परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा किया, 20 × 80 और 4 से काटा 25%। यानी अगर वो 25% की वृद्धि कर देता है, 25% बढ़ा देता है अपने खर्चे को, यानी जो चीजें खरीद रहा है वो 25% ज्यादा चीजें खरीदने लगे, तो उसका खर्चा बराबर हो जाएगा, पहले जितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आशा है आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें, यूपी SSSC, लेखपाल और पुलिस के लिए हिंदी स्पेशल का बैच चलाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।